हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास नाइन्थ का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्पर्श, जो हमारी बुक है स्पर्श, उसका पार्ट दो पढ़ रहे हैं। और पार्ट दो का नाम क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसको लिखा किसने? बचेंद्री पाल ने लिखा है, है ना। बचेंद्री पाल स्वयं अपने बारे में बता रही है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। उनके बारे में, जो बचेंद्री पाल थी, वे इसके पहले हमने जो पढ़ा था, पहला लेसन दुख का अधिकार है ना, और ये दूसरा लेसन है हमारा कौन सा? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बचेंद्री पाल के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म 1954 का है, अभी भी हैं बचेंद्री पाल, है ना। उन्होंने ये बताती है कि बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गाँव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। ये जो बचेंद्री पाल थी, ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, वे मतलब उनको पढ़ाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को आठवीं से आगे पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। वे खुद स्वयं सिलाई कढ़ाई करती थी और अपनी पढ़ाई उन्होंने आगे जारी रखी। दसवीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया कि आप उसे आगे पढ़ाएं। तो लेकिन बचेंद्री ने ऐसे विषम स्थितियों में, है ना, क्योंकि पापा पढ़ाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने कढ़ाई बुनाई जो भी करके अपने ऐसी विषम स्थिति में, वे स्थितियों के बावजूद उन्होंने वे आगे पढ़ाई करी और वे संस्कृत में एमए करी। उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया और शिक्षा बीएड की भी शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। यानी पहली भारतीय पर्वतारोही महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी, है ना। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। ये बचपन से ये इनकी एक मनोकामना हो या एक अपना जो उनका हॉबी बोलो, है ना, कि उन्हें चढ़ना ही था, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, वो बचपन से ही ये सोचा करती थी। और व्यक्ति यदि सोचता है तो वो काम, भले ही उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हो जाता है यदि सोच लिया तो। सही बोलते ना, इसलिए लक्ष्य बना के रखो, लक्ष्य ही हमारा जो है उसी पे कायम रहो और वो कभी ना कभी हासिल होगा। भलाई कठिनाइयाँ जरूर आएगी, कठिनाइयों के साथ हमें उसे पाना है, है ना। तो वैसा ही बचेंद्री पाल ने भी सोचा कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वह उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का सोचा। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, तो इनके 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। अब ये तो लड़की थी, उस जमाने में लड़की को आगे बढ़ना, भाई साहब जो भी बड़े भाई थे, वे चाहते थे कि वो ना इस चीज़ में आगे ना बढ़े। वो छोटे भाई, उनसे जो 6 साल छोटा भाई था, उसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। कौन? उनके बड़े भाई साहब। अब तब बचेंद्र को बहुत बुरा लगता था, वे चाहती थी ये क्या है कि मुझे नहीं बोलते हैं और मुझसे जो 6 साल छोटा है उसको उकसाते हैं कि नहीं तुम पहाड़ एवरेस्ट पर चढ़ना। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता है कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी तो कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बचेंद्री पाल कहती हैं, लोग इतना लड़कियों को नाजुक और कोमल क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीनों एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में, है ना। तो इनको बचपन से ही उस चीज की आदत सी थी, क्योंकि ऊपर ऊपर भी रहते थे और नीचे भी गांव में रहते थे, तो ये चढ़ना उतरना उनको बचपन से ही था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। क्योंकि अब इनके तो मतलब रोज की इसमें था, रोज मतलब ये जिंदगी में ही था, क्योंकि स्कूल को उनकी पहाड़ों पर ही थी, तो वो जो जाती थी पहाड़ पर चढ़कर अपने स्कूल जाया करती थी, जिस समय ये तराई में नीचे रहा करते थे।
इधर बचेंद्र की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। जब अब देखा कि सब लोग इस तरह से मतलब खोज शुरू हुई है, किसके लिए? इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। आखिर वे चढ़ी गई और चढ़ करके अपना नाम उन्होंने इस तरह से रोशन किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा, ये जो लेख लिखा है उन्होंने, हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ को, कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोह मर्शक अंश बचेंद्र के उस अंतिम पड़ाव के शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानव पाठक भी उनके कदम कदम से मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट शिखर पर जा रहा हो, है ना। इस पाठ को पढ़ते हुए हमें भी ऐसा महसूस होता है कि जो बचेंद्र पाल जैसी जैसी अपनी स्टोरी अपनी कहानी बताती जा रही है, हम भी उनके साथ में एवरेस्ट चढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। काठमांडू मतलब नेपाल में है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू वहाँ पर है। और जहाँ कहाँ से? दिल्ली से। 7 मार्च को जब वे दिल्ली से चले तो वे काठमांडू की तरफ चले, जहाँ प्लेन से एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। कि हमसे पहले जो चले गए, कि हिमपात मतलब बर्फ गिरा हुआ था, उस बर्फ को हटा हटा कर रास्ता बनाना था। तो वो पहले ही, इनसे पहले जो टीम गई थी वो इसी काम के लिए गई थी कि वहाँ पे वो काम जो बर्फ गिरा हुआ है उसको साफ कर सके और वहाँ पे रास्ता बना सके। नमची बाजार शेर कॉलेज का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। ये जो नमचे बाजार है, यहीं से पहाड़, वो जो एवरेस्ट दिखाई देता है वो, तो यहीं से मैंने उसकी ऊंचाई तक मैंने यहीं से उसको निहारा था। जहाँ मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे नेपाली लोग उसे क्या कहते हैं? सागर माथा। जिस एवरेस्ट को मैंने निहारा था उसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से वे प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। बचेंद्र पाल कहती हैं कि मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल प्लूम देखा, है ना, एक भारी बर्फ का फूल जिसे प्लूम कहते हैं, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। ये जो फूल बनता है वो हवा की गति के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। जो सूख जाता है बर्फ, वो तेज हवा से क्या, ऊपर जितना भी आप जाओगे वो मतलब बर्फीले पहाड़ हैं, है ना, तो वो बर्फ क्या होता है? सूख जाता है। और जितनी हवा तेज चलती है तो वो जो जितना सूखा हुआ बर्फ रहता है वो क्या होता है? उड़ता रहता है। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इस तूफानों को झेलना पड़ता था। जैसे लोग, प्रत्येक जो व्यक्ति जो शिखर पर चढ़ रहे हैं, उनको इन तूफानों को झेलना पड़ता था। कहने मतलब ये तूफान जो भी आते थे वे वहाँ पे उनको झेलना ही पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब भी मौसम खराब हो जाए, मौसम खराब होता है तो देखे नहीं आप कैसे होते हैं ग्लेशियर, जो बोलते हैं जो बर्फ की नदी जैसा बह जाता है, जिसमें काफ़ी नुकसान होता है ना। तो ऐसा मौसम भी खराब रहा तो उस खराब मौसम में भी लोग
लोगों को इस तरह जब पहाड़ चढ़ते हैं, जब शिखर पर चढ़ते हैं, तो उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मैंने सोच रखा था कि मैं चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मैंने सोच लिया एवरेस्ट चढ़ना है तो चढ़ना ही है, चाहे मुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैंने अब ठान लिया है एवरेस्ट मुझे जाना चढ़ना ही है, चाहे कितनी भी कठिनतम परिस्थिति आ जाए मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिम प्रस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जो शेरपा लोग रहते हैं, जो इन लोगों को देखते हैं, एवरेस्ट जो चढ़ते हैं उन लोगों को जो देखा करते हैं, तो वहाँ पे एक शेरपा जो थे उनका दुखद समाचार हमें उनकी मृत्यु का दुखद समाचार हमें मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। वो जो जैसे ही वो बर्फ इतना भारी बर्फ जब गिरा तो जो 16 शेरपा लोग थे वो उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई और 4 उसमें घायल हो चुके थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अब क्योंकि जो एवरेस्ट चढ़ते हैं, जो एवरेस्ट को पर चढ़ना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती है, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो बोले उसे हमें सहन करना पड़ता है। क्योंकि क्या है, जो उन्होंने ठान रखा है कि एवरेस्ट पर चढ़ना है और इतने शेरपा लोग जो रहते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को जब लेके जाते हैं तो वो ये सिखाते हैं कि चाहे जितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए लेकिन हमें उसे पार करना ही पड़ता है यदि हमने ठान लिया तो, है ना, और उसी काम के लिए आए हैं तो वो करना ही होगा। ओके, आगे के और पेज नंबर 17 पर आप सब लोग इस बुक को लेकर बैठेंगे, है ना, और पढ़ते भी जाएंगे और मैं समझाती हूँ तो आप उसके और ध्यान भी देते रहेंगे। और इस पार्ट को हम यहीं पे अभी विराम देते हैं। पेज नंबर 17 चल रहा है हमारा, उस पे हम सेकंड इस पे चल रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ पे चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।